मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को भारत ने आतंकवादी घोषित किया। तलहा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तलहा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। तलहा आतंकियों की भर्ती फंडिंग का काम संभालता और भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने में भी शामिल रहा है। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं उस शख्स को जो कि हाफिज सईद का बेटा है। ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इस पर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है ओम प्रकाश? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी थी कि तलहा सईद भारत के खिलाफ जंग जिहाद कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। वो हाफिज सईद का बेटा है। साल 2017 में भी उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने कश्मीर में जिहाद कराने की बात कही थी। इसके अलावा वो लश्कर के तमाम जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां जाता है और तकरीरों के जरिए वो लोगों को बरगलाकर भड़काता है कि भारत के खिलाफ जिहाद किया जाए। तलहा सईद साल 1975 में पैदा हुआ था और इस समय 47 वर्ष का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि तलहा सईद भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, लिहाजा उसे डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया गया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को भारत ने खतरे को भांपते हुए आतंकवादी घोषित कर दिया है क्योंकि वो भारत में दहशतगर्दी फैलाना चाहता था। तलहा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है जो इस वक्त आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। समय समय पर वो वीडियोस जारी कर भारत के खिलाफ साजिश की बात भी कहता रहा है। तो पहली तस्वीर हाफिज सईद की देख रहे हैं आप, जिसे कल एक बार फिर से 31 साल की सजा सुनाई गई है। पहले से ही वो 39 साल की सजा उसको जो सुनाई गई थी वो काट रहा है और कल हाफिज सईद को टेरर कोर्ट की तरफ से एंटी टेररिस्ट कोर्ट की तरफ से 31 साल की सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ हाफिज सईद का बेटा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तलहा सईद, जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया है क्योंकि तलहा आतंकियों की भर्ती और ऐसे तमाम कामों में संलिप्त था। तो गृह मंत्रालय की ओर से आतंकी घोषित कर दिया गया हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को। समय समय पर वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम भी ये करता रहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।